भारत सरकार ने जो PFI पर अभी प्रतिबंध लगाया है उसके लिए भारत सरकार की बहुत सराहना है। पब्लिक में एक अलग मैसेज गया कि भारत सरकार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने जा रही है और किसी भी सूरत में भारत में कट्टरपंथी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा और आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। PFI सहित 9 और संगठनों पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ पब्लिक में एक डिमांड आई है कि PFI के पॉलिटिकल विंग SDPI भी भारत सरकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए, जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और वही देखने को मिला, PFI के खिलाफ लगातार पुलिस को भी साक्ष्य मिल रहे थे, प्रशासन शासन को भी साक्ष्य मिल रहे थे। ये दिल्ली दंगों में या उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए या और राज्य के अन्य क्षेत्रों में दंगे हुए हैं, तमिलनाडु में, केरल में, जगह जगह से PFI के कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। और आगे भी अगर कोई संगठन इस तरह की कार्रवाई में लिप्त रहता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जितना भी विरोध हो रहा है, जो भी दंगे फसाद हो रही है, ये सब PFI शिमी जितनी भी इनके संस्थाएं बनी इन्हीं की देन है। और हमारे गृह मंत्री जी ने जो ये काम किया बहुत अच्छा काम किया है। इन पे बैन होना अति आवश्यक है और इनके लिए आप जो आगे चल के 5 साल के बाद भी इनके ऊपर जो है आजीवन बैन होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी संस्था भारत में कार्य न करे। PFI हमारे देश के लिए एक जहर के समान है और PFI के कार्यकर्ता तैयार करना, यह काम मदरसे करते हैं और ऐसे मदरसों सहित PFI से संबद्ध रखने वाले सभी संगठनों सहित जो केंद्र सरकार ने अपना 56 इंची सीना दिखाया है प्रतिबंध लगाकर, ये स्वागत योग्य है, स्तुति करने योग्य है और सच में एक बहुत बड़ा मनोबल राष्ट्रवादियों का बढ़ता है। PFI वास्तव में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, समाचार देखता हूँ, सारी चीज़ें जानकारी जो मिली है कि ये सिमी का दूसरा रूप और सिमी पर तो प्रतिबंध लग गया, लेकिन उस पूरे संगठन के सारे लोग आकर के PFI नामक संगठन से जुड़ गए। PFI का कई अनुसांगिक संगठन है और इन लोगों का काम देखने में ऐसा प्रतीत होता है, जो पकड़ में भी आए हैं, बिहार से भी लोग उठाए गए हैं, हर जगह से ऐसा समझ में आता है कि ये लोग देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पर तुरंत जो है एक्शन नहीं लेती है। कई सालों से उनकी जो एक्टिविटी थी वो टेररिज्म फंडिंग को लेके उनको आशंका है और उस पर कुछ सबूत भी मिले हैं, एविडेंस भी मिले हैं, जिसके आधार पर उसको बैन किया गया है। मेरी राय यह है कि देश की सरकार हम आम नागरिकों से बेहतर तरीके से देश की सुरक्षा के बारे में चिंता करने के लिए सक्षम है। वो देश की सुरक्षा में जो भी कदम उठाती है, जिस भी संगठन को बैन करना चाहे, अगर देश की सुरक्षा के हित में है तो वो बैन करे, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। इस पे राय ये है कि चाहे जो धर्म हो या जो भी अपने देश के प्रति अधर्म करेगा और विदेशों से समझौता करेगा, अथवा किसी भी धर्म का हो, जात का हो, अन्य कोई भी हो, जो अन्य काम में लिप्त होगा, उसके लिए ऐसा ही कार्य करना जरूरी है। देखिए, सरकार इस समय जो भी हो या कोई भी सरकार हो, हमको लगता है कि सरकार को हमेशा चिंता रहती है कि देश कैसे सुरक्षा हो या देश कैसे सुरक्षित रहे, किस किस संगठन में देश सुरक्षित है, किस संगठन में नहीं सुरक्षित है। तो मेरे ख्याल से अगर बैन लगाया है तो हमारे ख्याल से ठीक ही सोच कर लगाया होगा। मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने जो PFI के ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, हम इसको सराहना करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा। और इससे पहले भी सरकार ने 370 के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद में हमारी माता बहनें, बहू बेटियों ने अपने आप को काफ़ी सेफ फील करा था अपने आप में। अब देखा जाए तो PFI में जो हमारी आज की यूथ काफ़ी हद तक उस दलदल में फंसने वाली थी, उसने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला, सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो अभी उस यूथ के लिए एक फ्यूचर विज़न अच्छा ओपन हो चुका है हमारे लिए। मैं जो ये PFI पे जो बैन लगाया है, मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूँ और जो है ये जो है बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था, जो इसने जो जन जुलूसों में या उनमें भ्रम फैलाया है समाज में, इस समाज ये जो है यह समाज को बांटने का कार्य कर रहा था, इस कार्य को जो है अब नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने PFI जो संस्था है इस पर जो बैन लगाया है वो बहुत ही अच्छा काम है और ये मैं केंद्र सरकार की सराहना करता हूँ कि जो इन्होंने ये काम अब किया है, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था ताकि आतंकवाद पर अंकुश लगे और
ये बहुत ही बढ़िया काम किया है केंद्र सरकार ने। ये केंद्र सरकार ने जो ये 370 धारा हटाई है और ये पीएफआई संगठन के खिलाफ ये 5 साल का बयान किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं ये ही चाहता हूँ कि सरकार ऐसे ही अच्छे काम करती रहे और जनहित के कार्य करती रहे। सरकार ने जो ये पीएफआई बैन करने पर जो रोक लगाई है उसका मैं सराहना करता हूँ और सरकार के इस देश हित में जो काम किया है मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार ने जो पीएफआई के ऊपर एक्शन लिया है वो बड़ा सराहनीय है और पहले भी 370 के ऊपर वो एक्शन ले चुकी है और आगे भी भविष्य में चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आगे मतलब युवा को ऐसे ही प्रभावित करते रहें और एक्शन लेते रहें। केंद्र सरकार के इस प्रयास की सराहना करनी पड़ेगी। देश में पीएफआई का पिछले लगभग 4-5 साल से लगातार कुछ घटनाओं में नाम आता चला जा रहा था और जो जानकारियां मिल रही हैं मीडिया के माध्यम से कि पीएफआई का बाहर जो विदेशी संगठन है आतंकवादी या कुछ जो विदेशी मुल्क हैं जो हमारे विरोध में रहते हैं उनसे भी उनका संबंध पाया गया है। केंद्र सरकार ने जो भी किया है हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। जो भी गलत लोग गलत काम करेंगे जो लोग सही करेंगे, जो लोग गलत करना चाहेंगे उनके साथ गलत व्यवहार होगा। कोई भी लोग हो किसी भी समाज का हो जैसा लोग करते हैं वैसा भरेंगे।